प्रिय विद्यार्थिन सर्वेभ्यः नमो भवतां स्वागतम् अद्य वयं कक्षावता इति नाम्ना तृतीयाध्यायस्य चतुर्थभागे डाक्टर् भीमराव अंबेडकरेण प्रवर्तितं धर्मं तथा तेषां व्यक्तित्वे विशिष्टगुणानां विषये पठिष्यामः अस्य पाठस्य रचयिता डाक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय वर्तते अत्र प्रस्तुत श्लोकस्य सस्वरवाचनं अहं करिष्यामि भवद्भिः अपि स्वमनसि अनुगायनं कृत्वा अभ्यासः करणीयः अध्यात्मा प्रवणो नितांत करुणा पूर्णोष्ट सद्धर्मः किल संप्रवर्तित इह श्री बुद्ध देवेनयः काले नास्तमितो पिएनस पुनः संजीवितो भारते भक्त्या धर्मधुरंधराय कृतिने भीमायतस्मै नमः भीमायतस्मै नमः अर्थात अत्र महात्माना बुद्धस्य मार्गम् आश्रित्य महात्मा बुद्धेण प्रवर्तितं मार्गं आश्रित्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय आत्मचिंतन परम अध्यात्म युक्तं करुण्य युक्तं दया भाव परिपूर्णं अष्टसिद्धांत मयम् अष्टांगिक अस्ता, मार्गमयम् श्रेष्ठ धर्मं प्रतिपादितवान संप्रेरितवान प्रवृत्तितम् इति कालक्रमेण समय परिवर्तने न सः लुप्तोपि कालक्रमेण लुप्तोपि लुप्त प्रायः अपि यह सद्धर्मः अर्थात बौद्ध धर्मः पुनः भारत देशे भारत अनेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयः पुनः सम संप्राणितः सम अत्र अशुद्ध वर्ते संप्राणितः संप्राणितः अर्थात संस्थापितः प्रवर्तितः इति भावः एतादृशगुणयुक्ताय धर्मधुरन्धराय धर्मपालनमूर्धन्याय एतादृशगुणयुक्ताय धर्मपालनमूर्धन्याय पुण्यात्मने भीमाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महोदयाय सादरं नमस्कारः इति श्लोकार्थः भाव है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रणीत जो बौद्ध धर्म है उसको आधार मान करके के उस पर आश्रित होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने अध्यात्म चिंतन युक्त दया भाव से परिपूर्ण अष्टांगिक मार्ग से युक्त श्रेष्ठ धर्म बौद्ध धर्म का प्रतिपादन पुनः उन्होंने किया जो धर्म काल क्रमेण मतलब काल क्रम से मतलब समय के साथ जो लुप्त प्राय हो चुका था ऐसे बुद्ध धर्म को उन्होंने पुनः भारत देश में उसको प्राणयुक्त किया पुनः उसको प्रवर्तित किया ऐसे गुणयुक्त धर्म धुरंधर धर्म पालन में मूर्धन्य पुण्यात्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय को सादर नमस्कार है ऐसा यह भाव है अग्रे अन्याय प्रतिरोधिने नयवते पाखण्डविध्वंसिने अत्याचारविमर्दिने बलवते निषक्तसंरक्षिणे युक्तायुक्तविवेकिने मतिमते सद्धर्म संस्कारिणे दीनानाथ सुधारिणे कृतिमते भीमाय तस्मै नमः भीमाय तस्मै नमः अर्थात् अन्याय विरोधी ने अनिर्णय विरोधी ने नीति मते नीति युक्त नीति युक्त आडंबर विरोधी ने पाखंड विरोधी ने अत्याचार विनाशी ने क्रूर कर्म विनाशी ने क्रूर कर्म क्रूर क्रूर कृत्य विरोधी ने विनाशी ने विध्वंसी ने शक्ति युक्ताय असमर्थ जन अर्थात जन पालकाय निशक्त जन उचित अनुचित, संपन्नाय, अर्थात उचित अनुचित विवेक युक्ताय बुद्धि युक्ताय श्रेष्ठ धर्म संस्कारिणे निर्धन अनाथ जनानाम सुधार कर् कृतिमते श्रीमते भीमराव अंबेडकर भाव है कि अन्याय का विरोध करने वाले नीति से युक्त, नीतिमान, विरोधी, पाखंड के प्रकृष्ट विरोधी अत्याचार का विनाश करने वाले शक्ति युक्त असमर्थ और निशक्त जन के पालक जो दलित पतित जो लोग थे उनके ये संरक्षक और पालक थे उचित अनुचित ज्ञान से संपन्न कि उचित अनुचित का विवेक ज्ञान रखने वाले बुद्धि युक्त और श्रेष्ठ धर्म का संस्कार करने वाले निर्धन और को सुधारने वाले ऐसे पुण्यात्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बारंबार नमस्कार है यहाँ डॉक्टर भीमराव इस श्लोक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के विशेष गुणों का वर्णन किया गया है अत्र मया श्लोकेषु वर्तते एवं प्रकारेण अस्माकम् अद्यतनीय अध्यायस्य चतुर्थभागः सम्पन्नः भवति आशामहे यद् भवन्तः सम्यक् रूपेण अवगतवन्तः श्लोकानां रसास्वादनम् अर्थावबोधनं च कृतवन्तः अग्रिम कक्षायां पुनर्मिलामः तावत् नमस्कारः जय जयतु जय तु संस्कृतम्